हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैशाली और आई हूँ आज मैं एक और हेल्थ प्रोडक्ट लेकर। इसकी ज़रूरत पड़ती है डायबिटीज़ के लिए। आज के समय में डायबिटीज़ यंग जनरेशन को भी काफ़ी हो चुकी है और काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं। अगर हम इसको मेंटेन रखेंगे, चेक करके रखेंगे टाइमली, तो हमारी हेल्थ भी आगे जाके अच्छी रहेगी। मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ, कैसे चेक करना है, क्या करना है। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा एक्यूचेक डिवाइस है डायबिटीज़ मेजर करने के लिए। इसको आपको दिन में दो बार टेस्ट करना होता है, एक बार फास्टिंग, सेकेंड टाइम आप खाने के 2-3 घंटे बाद। तो मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह यूज़ करना है और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका ये मीटर होता है। अगर हम ये दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम कुछ ये होता है, ये लेंसिंग डिवाइस। इसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स दिखेंगे। यहाँ वाला पोर्शन पकड़कर अगर हम रोटेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको ये 5 नंबर्स तक मिलेगा। तो इसमें ये शो करेगा कि आपको कितनी डेप्थ चाहिए। जैसे किसी की स्किन मोटी है या पतली है, उस अकॉर्डिंगली आप डेप्थ ले सकते हैं। हम जब भी इसको प्रिक करेंगे अपनी फिंगर में ब्लड लाने के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना है हमको ये पोर्शन में प्रिक करना है, क्योंकि इसमें हमको कम पेन होता है। नॉर्मली वी कैन चूज़ फॉर द सेकेंड और 3 नंबर। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको इसको लेंसेट को कैसे यूज़ करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये इसको हमको ओपन करना है। ओके, ये पुरानी अगर कोई भी है तो इसको आप हटा दीजिए, हम नए लेंसेट से यूज़ करेंगे। अगर आप देखेंगे इसमें तो एक साइड पर राउंड सर्कल है और एक साइड पर आप स्ट्रेट है, तो आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए। अभी आप जब इंसर्ट करेंगे, हल्का सा इसको ट्विस्ट करके आप ब्रेक कर दीजिए। ये देखिए, ये अभी पिन दिखने लगी है हमको, निडल इसमें। अब ये स्लॉट, इसमें आप देखेंगे ये एक स्लॉट है और इसमें भी एक ये स्लॉट है। इन दोनों स्लॉट को हमको मैच करके इसको लॉक करना है। आपको ये आवाज़ आई होगी तो दैट मीन्स ये लॉक हो गया। ये आप इसमें देखेंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अभी हमको अगर यूज़ करना है इसको, जब टेस्ट करना है हमको ब्लड शुगर लेवल के लिए, तो ये ऊपर से प्रेस करेंगे। अभी यहाँ पर येलो कलर हो गया, दैट इज मीन्स इट इज़ रेडी टू यूज़। यहाँ पर हमारे पास में 3, जैसे मैंने बताया था आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर्स रहेंगे। जैसे बच्चों के लिए 1 नंबर यूज़ कर सकते हैं, किसी की थिक स्किन है तो 5 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं 3 नंबर ले रही हूँ। और यहाँ पर अपने हमको जब भी प्रिक करना है, हमारे इस पोर्शन में प्रिक करना है। ओके, अभी एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि हमको स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर शुगर लेवल्स भी दिए हुए हैं, हम बाद में मैच करेंगे कि हमारे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी यहाँ डिफरेंट कलर्स है तो अकॉर्डिंगली स्ट्रिप के कलर्स चेंज जाते हैं। सो आई विल टेक आउट 1 स्ट्रिप। ये एरो का आपको जो पार्ट दिख रहा है, ये आपको ऊपर साइड रखना है और इसमें इंसर्ट करना है। नाउ दिस इज़ रेडी टू यूज़। आप यहाँ ब्लड ड्रॉप आ जाएगा, दैट मीन्स वो रेडी हो गया है, हो गया है। अभी मुझे जल्दी से अपना प्रिक करके ब्लड इसमें डालना है। साथ में यहाँ पे लाइट भी ब्लिंक होने लगी है, सो आई विल जस्ट प्रेस इट। ये मेरा ब्लड है, अभी मैं इसमें डालूंगी। ये रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरा ब्लड लेवल अभी इसमें 79 आया है, सो इट इज़ गिविंग द एक्यूरेट रीडिंग। इसको हम, अभी ये हो गया है तो इसको हम निकाल के इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये डिवाइस अगर आप देखेंगे, इसमें एक पर्सन के लिए आप एक ही यूज़ कर सकते हैं। आपको जब भी इसको निकालना हो तो ऐसे खींच कर नहीं निकालना है, आप बस ऐसे कर यहाँ से ये प्रेस करिए तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे निकल जाएगा। इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए और इसको आप वापस इसमें फिक्स कर दीजिए। अगर आपकी स्ट्रिप यहाँ सही नहीं लगी है तो आपको एरर्स आएंगी, E1, E2, E3, E4, साथ में और भी एरर्स होती है। आप यहाँ पर बैटरी लगाएंगे तो ये बैटरी अगर साफ़ नहीं है, क्योंकि एक बार मुझे इसका सामना करना पड़ा था, तो आप यहाँ ठीक से अगर चल नहीं रही हो, आप नई बैटरी डलवाई है, तो आप यहाँ अच्छे से क्लीन करिए, बैटरी को अच्छे से क्लीन करिए।
तो आपका इंस्ट्रूमेंट चलने लगेगा। ये मेमोरी आपको मिल जाएगी यहाँ पर लगी हुई है। साथ में आपको अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ से आप कनेक्ट करके अपने मोबाइल से या पीसी से ये डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा 79 आया था, मेरा सही है कि नहीं, तो हम इससे मैच कर सकते हैं। यहाँ 80 तक दिया हुआ है तो यू कैन चेकआउट कि ये मेरा मैच कर रहा है, तो इसकी रीडिंग सही है। आपका सारा टेस्ट हो जाने के बाद में आप सारे इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स एक साथ ही रख दीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक्यूचेक के कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो यू कैन चेक इट आउट फॉर दैट। एंड टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, सी यू।